मैं हूं अनिल राजभर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई की बोरीवली रेलवे स्टेशन पर परीक्षा देने जा रही कॉलेज छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ की गुत्थी को जीआरपी ने सुलझा लिया है। इस मामले में जीआरपी ने एक भजन गायक को बिरार के फूलपुर इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया भजन गायक दीपक पुजारी बोरीवली इलाके में एक भजन कार्यक्रम से बिरार जाने के लिए लौट रहा था। दरअसल सुबह करीब 6 बजे परीक्षा देने जा रही 19 वर्षीय छात्रा के साथ भजन गायक ने छेड़छाड़ की थी। गायक ने शराब के नशे में छात्रा के साथ गले मिलने और किस करने की कोशिश कर रहा था। जब उसने छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहा था तो छात्रा ने रेलवे स्टेशन पर शोर शराबा मचाने लगी, जिसके बाद वह डर के मारे ट्रेन में बैठकर फरार हो गया। लेकिन छात्रा ने सूझबूझ से काम लिया और तुरंत ही इस घटना की जानकारी स्टेशन पर मौजूद जीआरपी को दी। जानकारी के मुताबिक यह घटना 26 मार्च को बोरीवली रेलवे स्टेशन पर हुआ था। उसी दिन सुबह 6:15 बजे के करीब एक छात्रा बोरीवली स्टेशन ब्रिज के ऊपर बेंच पे बैठी थी। उसी वक्त एक आरोपी ने उसके पास आके बेंच पे बैठ गया और उसको पूछा कि मुझे विरार जाना है, कैसे जाने का। उसने बताने के बाद भी वहाँ से उठा नहीं और उसने विरार जाने के पूछने के बहाने उस छात्रा को कमर में हाथ लगा के उसको छेड़ा। उसके बाद वो डर के मारे वहाँ से भाग निकली। फिर उसके बाद उसने आरोपी ने उसको फॉलो किया और उसको पकड़ा और फिर उसको गले लगने का कोशिश किया। उसके बाद फिर छात्रा चिल्लाने लगी, फिर वो वहाँ से लड़की वो भाग निकली, फिर आरोपी भी वहाँ से निकल गया। उसके बाद इस टीम ने पूरे वारदात के सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करने के बाद आरोपी को 24 घंटे के अंदर विरार रेलवे स्टेशन पे हमारी टीम ने उसको पकड़ा है। और वो आरोपी रहने वाला प्रॉपर गुजरात का है और यहाँ विरार में फुलपारा एरिया में वो रहता था। सर, वो किस तरह का भजन गाता था और जिस दिन घटना किया उस दिन वो कहाँ से आता था? वो जैसे कि किसी का मैयत होने के बाद एक 14 दिन के बाद जो एक प्रोग्राम रखा जाता है, उसी प्रोग्राम में वो भजन गाने का काम करता था। और जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन भी वो बोरीवली वेस्ट में एक प्रोग्राम करने के बाद बोरीवली स्टेशन आके बैठा था। उसने ऑलरेडी नशा किया हुआ था, नशे में ये उसने ये क्राइम किया है ऐसा सामने आ रहा है। क्या गायक ने इस गुनाह को कबूल किया है? यस, एक गायक ने इस गुनाह को पुलिस के सामने कबूल कर दिया है। और जैसे कि 6:15 बजे के करीब वो आरोपी अपने दोस्तों को छोड़ के रेलवे स्टेशन में वो भी विरार जाने के लिए रेलवे ब्रिज पे बैठा हुआ था। और उसी वक्त उसके मन में ऐसा सोच आने के बाद उसने वो लड़की को जो बेंच पे बैठी थी उनको विरार जाने के बहाने पूछा और उसको उसके साथ छेड़खानी की थी। क्या उसके ऊपर भी पहले कोई गुनाह नहीं? उसके हमने पूरा रिकॉर्ड चेक किया है, उसके ऊपर अभी तक तो कोई केस रजिस्टर नहीं है।